अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ्राई मटन चाप की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप देखेंगे कि जो चाप है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने यहाँ पर ले लिया आधा किलो चाप, अच्छे से धोकर साफ़ करके ले लें। और इसमें मैं ऐड करूँगी 4 छोटी चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच सॉल्ट ऐड कर देंगे। नमक इस स्टेज पर ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हम नमक बाद में भी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को और मैंने इसे रख दिया था ढककर 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम की सहूलत नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे गला लें प्रेशर कुकर में डालकर। मैरिनेट करने से इस पर जो अदरक लहसुन का मसाला है बहुत अच्छे से चढ़ जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर मैरिनेट करें। तो 1 घंटे मैरिनेट होने के बाद मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है प्रेशर कुकर में और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ छोटी सी प्याज। तो आप जब भी भुना गोश्त या चाप ऐसा कुछ भी बना रहे हो तो जब बाफ रहे हो गोश्त को तो आप प्याज ज़रूर ऐड करें काट कर, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। थोड़ी सी करनी है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने आधा कप जितना पानी। पानी आप ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, कम ही ऐड करना है। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। अभी मैंने लीड लगा दी है और अब मैं हाई फ्लेम पर एक विसल आने दूंगी। हाई फ्लेम पर आ चुकी है एक विसल। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी मीडियम पर और मीडियम पर ही 10 से 12 मिनट अच्छे से गलने के लिए रख दूंगी चाप को। 10 से 12 मिनट के बाद खोलकर देख लें कि चाप को के अच्छे से गली है या नहीं। अगर आपको कसर लगती है तो आप थोड़ा सा और पकाएं, लेकिन 10 से 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये गल ही जाएगी। तो यहाँ पर चाप अच्छे से गल चुकी थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो ये सारे पानी को हमने कर लेना है खुश्क, ड्राई कर लेना है। तो हाई फ्लेम पर रख दे के कुकर को 5 मिनट के लिए मैंने रखा और देखे आप सारा पानी ड्राई हो चुका है और इसी दौरान चाप भी अच्छे से भुन चुकी है। अभी हम यहाँ पर एक मसाला रेडी कर लेंगे चाप को कोट करने के लिए। तो मैंने 2 चम्मच भर कर लिया है फ्रेश दही। ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ी चम्मच भर कर कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पर। 3 चम्मच मैंने यूज़ किया है बेसन चने का आटा। अब हम यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच भरकर रेड चिली पाउडर, 3 चम्मच भरकर जीरे और धनिया का पाउडर, 1 बड़ी चम्मच जितना गरम मसाला और 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर देंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर ले नमक ऐड कम ज़्यादा। और यहाँ पर मैं 2 पिंच जितना ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें। और हल्का सा पानी ऐड करके मैं एक इसका स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ऐड करना है ताकि अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए, इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं अभी। अब इस मसाले के पेस्ट में हम हमारी जो चाप हमने गला कर रखी थी उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से हाथों से मिला लेंगे ताकि अच्छे से मसाला कोट हो जाए चाप पर। तो ये देखिए मैंने अच्छे से कोट कर लिया है सारी चाप पर मसाला। अब ये चाप को कर लेंगे हम फ्राई। तो मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छे से तेल को गर्म होने देंगे, मीडियम हॉट होने देंगे। जब तेल मीडियम हॉट हो जाएगा तो हम एक एक करके चाप को इसमें फ्राई होने के लिए ऐड करेंगे। चाप गल तो चुकी है, अब हमें ये फ्राई करते वक्त इन्हें गलाना नहीं है, बस इन्हें क्रिस्पी हो जाने देना है और इन चाप पर अच्छे से प्यारा सा ब्राउन कलर आ जाने देना है। तो बस 2-2 मिनट के लिए आप दोनों तरफ से इसे पका लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मतलब एक तरफ से जब कलर आ जाएगा इसका अच्छे से ब्राउन, तो हम इसे दूसरी साइड फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
मीडियम फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें। तो देखिए, एक तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा इस तरह से ब्राउन, तो हम दूसरी तरफ से भी इसे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चाप जो है वो क्रिस्पी भी हो चुकी है और अच्छे से कलर भी आ गया है इन पर, तो बस हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से और इस तरह से आप चाप फ्राई कर लेंगे। तो चाप बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनती है माशाल्लाह। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बाद में आप वीडियो पर आकर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई या नहीं। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।